सबको शीतल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकुम्बर का डोसा। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैं चावल लिया है और एक काकड़ी, और उसमें मैं नारियल का दूध ऐड करूंगी। एक ग्लास नारियल का दूध लिया हूँ, उसको ऐड करूंगी। फिर नमक डालूंगी, बस उतना ही है। फिर चटनी के लिए 4 रेड चिल्ली लिया है, 1 ऑनियन लिया है, 1 कटोरी नारियल लिया है, थोड़ा सा इमली का पाउडर है, और 2 कली करी लीव्स लिया है मैंने। अभी ये कटोरी में मैं 2 कटोरी चावल ली हूँ। अभी चावल को मिक्सी में डाल दूंगी। डाल के चावल और नारियल का दूध, इसको काकड़ी का मैं इसका स्किन निकाल के इसको काट के डालूंगी। चावल को मिक्सी में डाल दिया, काकड़ी का चिलक निकाल के, इसका चिलक निकाल, स्किन पूरा चील दिया है मैंने। अभी काकड़ी को भी मिक्सी में डाल देती हूँ। इसका साथ कोकोनट मिल्क ऐड करूंगी। आप चाहे तो ग्रेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हो। 1 चम्मच नमक डालूंगी। अभी इसको मैं ग्राइंड करूंगी साथ में। अभी देखिए बैटर रेडी हो गया। इसको मैं इस बर्तन में निकलती हूँ। अभी देखिए ये इतना गाढ़ा है। अभी चाहिए थोड़ा पतला कर सकते हैं, मतलब मीडियम इसमें रखना है हमें, ज्यादा थिक भी नहीं है, इतना काफी है। मैं इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ, पहले चटनी के लिए रेडी करते हैं हम लोग। अभी इस पैन में मैं 4 चिल्ली डालूंगी, रेड चिल्ली, उसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। उसका बाद उसी में ऑनियन और थोड़ा करी पत्ता थोड़ा सा फ्राई करूंगी बस। डोसा बनाने के लिए तवा को गैस के ऊपर रख दिया और थोड़ा गर्म होने दो। 5 मिनट में मैं फिर बनाती हूँ। ये भी रेडी हो गया, इसको मिक्सी में डालेंगे हम लोग। अभी जो मसाला था पूरा डाल दिया मैंने, चिल्ली डाल दिया और ऑनियन। अभी नारियल डाल देती हूँ 1 कटोरी, थोड़ा सा मतलब 2 पिंच जितना अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अभी इसको ग्राइंड करूँगी मैं। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, मैं इसमें बनाती हूँ, इस तवा में। आइए डोसा रेडी हो गया। क्रिस्पी भी रहता है, आपको चाहिए तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं विदाउट ऑयल बना रही हूँ। गरम गरम खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये काकड़ी का डोसा रेडी हो गया। ये बहुत आसान रेसिपी है, इजी टू डू। ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे इससे भी अच्छा रेसिपी के साथ आपका सामने आऊंगी। थैंक यू।